टेरर फंडिंग मामले को लेकर एनआईए की छापेमारी पीएफआई पर लगातार जारी है। आज देश के 9 राज्यों में पीएफआई के तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, लेकिन बड़ी बात यह रही कि शाहीन बाग से 30 लोग गिरफ्तार किया गया। जामिया यूनिवर्सिटी जो है वहां पर छात्रों को एक सर्कुलर जारी किया गया जिसमें कहा गया कि कैंपस के अंदर या बाहर आप इकट्ठा नहीं होंगे और अगर आप इकट्ठा होते हैं तो फिर आप पर यूनिवर्सिटी प्रशासन एक्शन ले सकता है। कुल मिलाकर सेकेंड राउंड की छापेमारी में 170 से अधिक पीएफआई कार्यकर्ता है जिन्हें हिरासत में लिया गया, फिर गिरफ्तारी हो गई। पहले राउंड में भी 100 से ऊपर कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था। यह पूरा मामला जो है दरअसल टेरर फंडिंग का है, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गलत पैसा लाना, गलत काम में इस्तेमाल करना, ऐसे तमाम गंभीर आरोप लगे हैं। आज एनआईए ने देश के 9 राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर इस ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया और ये बड़े पैमाने पर, ये देश की बहुत ज्यादा बड़ी खबर है। आपको याद होगा पिछली गिरफ्तारी के बाद बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था, आरोप ये भी लगे थे कि उसके बाद पाकिस्तान के नारे लगे थे, लेकिन इस बार जो ये कार्रवाई है ये फिर बड़ी कार्रवाई है। दिल्ली से पहले पीएफआई प्रमुख को गिरफ्तार किया गया था, पीएफआई के जो इंडिया हेड है उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इस बार न सिर्फ गिरफ्तारियां हुई हैं बल्कि एक यूनिवर्सिटी को भी आदेश जारी हुआ है। इसके मायने क्या है, आपकी सोच इस पर क्या है और आपको क्या लगता है कि पीएफआई वाकई में कोई गलत काम कर रही है जिस वजह से ऐसा हो रहा है, आपकी सोच हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यूनिवर्सिटी पर जो ये एक अलग तरह का सर्कुलर जारी किया गया कि इकट्ठा नहीं होंगे बच्चे, इसको लेकर आपकी सोच क्या है इस पर भी कमेंट कीजिएगा।